हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और अभी की जो न्यूज है वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जो PGDCA के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपके शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से जो लेटेस्ट न्यूज है जो यहाँ से आप देख सकते हैं, हालांकि इसकी डेट अभी बढ़ा दी गई है, एक्सटेंडेड डेट टू फिल द एग्जाम फॉर्म ऑफ द PGDCA एंड PG डिप्लोमा। तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर अभी बढ़ा दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पे भी एग्जाम फॉर्म जो है वो चालू हो गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इनको डाउनलोड कर लिया है। तो एग्जाम फॉर्म जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं PGDCA 2023 के एग्जाम के लिए, जिसकी जो परीक्षा है, परीक्षा का जो आवेदन जो फार्म है, उस फार्म का शुल्क मात्र 100 रुपये है और परीक्षा फीस जो है वो 2500 रुपये है। और जो पुराने छात्र हैं उनके लिए जो फीस है 2670 रुपये, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए 2500 रुपये फीस है। और जो पूर्व छात्र हैं जिन्होंने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया हो उनके लिए 2670 रुपये फीस है। अंक तालिका 50 रुपये और कुल जो शुल्क है कि योग्यता शुल्क के हिसाब से 200 प्लस 200, तो कुल आवेदन शुल्क इस तरह से आप देख सकते हैं 2650 रुपये आपको यहां पर देना होगा। तो इसकी जो डेट है यहां पर दी हुई है कि 12 मई 2023 तक इसके फॉर्म आपको भरने हैं और कार्यालय समय में 16/5/2023 तक आपको ऑफलाइन ये जमा करने हैं। तो महाविद्यालय के लेटर पैड पर महाविद्यालय का नाम, जिस भी कॉलेज से आपने जमा किया है अपने PGDCA किया है, तो वहाँ के लेटर पैड पर आपको अंग्रेजी में अपना नाम डिटेल आपको लिखवा कर आपको यहाँ पर देनी होगी। अभ्यर्थी का जो नाम है, जो महाविद्यालय में जितने भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी उनके एफिलिएशन हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी से, वो A to Z के क्रम में एक सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। और फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का जो फॉर्म है वो आपको PGDCA के लिए करना होगा। तो जो 1 ईयर का जो डिप्लोमा है जिसमें आपको कॉलेज का नाम, विद्यार्थी का नाम, आपका जो नेम है हिंदी में और इंग्लिश में, आधार नंबर, मीडियम कास्ट, मोबाइल नंबर, हालांकि इसमें इस यूनिवर्सिटी से आप हिंदी में और संस्कृत दोनों में आप PGDCA कर सकते हैं। हालांकि सभी यूनिवर्सिटी केवल PGDCA मैक्सिमम इंग्लिश में ही करवाती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी और संस्कृत में भी PGDCA करने का मौका आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको फीस जमा करवानी है, जिसमें आपको पुरानी यूनिवर्सिटी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, साथ में जो भी आपने जो सब्जेक्ट आपने जो यहाँ पे लिए हैं उन सब्जेक्ट का पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और इनके साथ में आपको एनक्लोज डॉक्यूमेंट जो है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो आपने ली है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है, अदर यूनिवर्सिटी का जो माइग्रेशन है वो आपको यहाँ पर लगाना है। हालांकि अभी इसकी जो डेट है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, वो देख सकते हैं कि जो 12 तारीख थी उस डेट को अभी यहाँ पर आवेदन शुल्क का 12 और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 19 मई कर दी गई है और 22/5 तक आपको ये जमा करवाने हैं। बाकी की शर्तें जैसी पहली थी वही हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जाम है वो आपका 3 घंटे का ही होगा, जैसे पहले हुआ करता था, बीच में कोरोना के टाइम पर बंद कर दिया गया था। तो एग्जाम जो है, प्रश्न पत्र का समय, वो प्रत्येक प्रश्न का जो है वो 3 घंटे का होगा। और जो इसमें पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर जो है वो इसमें अभी यहाँ पे 10 पेपर इसके लगने वाले हैं और इसमें प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अगर आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल बनवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनरोलमेंट है उसका फॉर्म तो ये है ही। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जगत गुरु रामानंदाचार्य की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करें और इसके नए एडमिशन PGDCA के अभी जल्द ही चालू होने वाले हैं। कई जो कॉलेज हैं उनसे इनका एफिलिएशन अब हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कॉलेज हैं जिनका अभी एफिलिएटेड किया गया है, वहाँ पर जाकर आप PGDCA या PG डिप्लोमा, योग डिप्लोमा जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी से करने में आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। और जगतगुरु रामानंदाचार्य जो है राजस्थान की एक मान्यता प्राप्त सरकारी यूनिवर्सिटी है, जिसको UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न फैसिलिटी, जो कंप्यूटर लैब है जो यहाँ पे आपकी दी हुई है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब की सुविधा है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है और यहाँ पर आप
ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म का जो लिंक है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जो है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो एग्जाम फॉर्म आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको यहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद सप्लीमेंट्री फॉर्म, रिवेल्यूशन और एडमिट कार्ड यहीं पे मिलेगा। कैटेगरी आपको यहाँ पर देनी है जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट, और कोर्स का नाम जो है यहाँ पे डिप्लोमा के लिए आपको जाना है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स पे लिए, और फिर यहाँ से आपको जो चालान है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्म देख पाएंगे। तो जो भी आपका डिप्लोमा है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। पीजी के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे पीजी एमए फाइनल का हो जाएगा। तो जो भी संस्कृत सब्जेक्ट आपका है वहां से आप करें। यहाँ से भी रेगुलर के लिए अपन बात करते हैं तो नॉन कॉलेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डिप्लोमा, और डिप्लोमा जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा और पीजीडीसी का जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन जमा कराना है। तो अभी यहाँ पे जो कॉलेज है, जो एफिलेटेड जो कॉलेज है उनकी लिस्ट जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से जाके आप पीजीडीसीए का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो एफिलेटेड जो कॉलेज है, स्थायी सभ्यता जो प्राप्त है, यहाँ पे अलग अलग कॉलेजों की आप लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी आपको नज़दीक में आपके कोई भी जो कॉलेज पड़ता है उस कॉलेज में आप जाके विजिट करें। और यहाँ पे शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम, ये आपका आचार्य के लिए है, और ये अलग अलग जो सब्जेक्ट के अलग अलग जो यहाँ पे पाठ्यक्रम के हिसाब से दिया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जो है आपला योगा के लिए, तो वहाँ के लिए इनको 30-30 सीट इन कॉलेजों में जाकर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इन कॉलेज का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें जाकर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीजीडीसीए का अगर आपको करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग जहाँ पे विद्यालय जो महाविद्यालय जो चल रहे हैं वहाँ पर इनका डिप्लोमा करवाया जाता है। और पीजीडीसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जसवंतगढ़ नागौर में है, टोंक में है, और जयपुर में संस्कार भारती शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय जहाँ से पीजीडीसीए कर सकते हैं, और प्रिंसेस टीटी कॉलेज राधास्वामी बाग में भी आप चोमू से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बांसूर अलवर में है, बिसाऊ झुंझुनू नवलगढ़ सवाई माधोपुर नागौर विश्व गुरुदीप आसम शोध संस्थान, तो यहाँ से आप अलग अलग जगह से आप यहाँ से पीजीडीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मकांड महाविद्यालय, ये तो सब अलग अलग हैं। तो जो मेरा जो वीडियो जो मेन फोकस था वो आपका खास तौर से पीजीडीसीए के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो आप इसके एडमिशन जल्दी ही चालू होने वाले हैं, तो जहाँ से जाके आप संपर्क करें और इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।